हेलो डियर स्टूडेंट्स होप एंड प्रे ऑल वेल एट योर एंड ओके चिल्ड्रन लेट्स डू टूडे द बैक एक्सरसाइजिज इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर थ्री बुद्धि बड़ी या पैसा फ्रॉम योर हिंदी लिटरेचर बुक सुनहरी धूप लेट्स स्टार्ट विद द रिविजन ऑफ द शब्दार्थ पेज नंबर ट्वेंटी फाइव पहला शब्द है संपन्न मीन्स धनवान रिच अहंकारी घमंडी एरोगेंट मद नशा इंटॉक्सिकेशन बूते पर बूते मीन्स बल पर यू कैन से विद द पावर ऑफ चौपट होना बर्बाद होना डिस्ट्रॉइंग निंदा सुनकर बुराई सुनकर हेरिंग कंडेमनेशन जेवर गहने ज्वेलरी धरोहर अमानत डिपॉज़िट दवाखाना औषधालय मीन्स डिस्पेंसरी धूर्त कपटी या चालाक कन्नी गिरवी रखना अपनी कोई मूल्यवान वस्तु रखकर रुपए उधार लेना Um, you can say mortgage और impound, then पिंड छुड़ाया means पीछा छुड़ाया rid of the stool, रिवाज means custom, लज्जित होना शर्मिंदा होना फीलिंग अशेम्ड उसके बाद है मुहावरा डालना गलना मीन्स चाल सफल ना होना ट्रिक फेल्ड उसके आगे हैं कठिन शब्द जो कि श्रुतलेख के लिए हैं फॉर डिक्टेशन सो दिस यू कैन डू योर सेल्फ उसके बाद है पाठ बोध मौखिक प्रश्न तो पहला पहला प्रश्न है पैसों के बारे में राजा क्या सोचता था उत्तर पैसों के बारे में राजा यह सोचता था कि पैसे के बल पर ही दुनिया के सब कामकाज चलते हैं अगला प्रश्न रानी के सामने धूरतों की दाल क्यों नहीं गल पाती थी उत्तर रानी के सामने धूरतों की दाल इसलिए नहीं गल पाती थी क्योंकि रानी रा, राजकाज में उचित सलाह देती थी अगला प्रश्न राजकुमारी चोबोला का क्या प्रण था उत्तर राजकुमारी चोबोला का प्रण था कि जो आदमी उसे शतरंज में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी अगला प्रश्न रानी ने राजकुमारी चौबोला को किस खेल में हरा दिया उत्तर रानी ने राजकुमारी चौबोला को शतरंज के खेल में हरा दिया अगला प्रश्न राजा को क्या देखकर अचंबा हुआ उत्तर रानी के मकान के पास औषधालय पाठशाला अनाथालय आदि कई इमारतें देखकर राजा को बहुत अचंभा हुआ तो इसके बाद है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न तो पहला प्रश्न है इसमें क्या है उचित विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए पहला है राजा का स्वभाव कैसा था तो आपने गिवन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चुन लिया है एंड दैट इज अहंकारी उसके बाद दूसरा है राजा को छुड़ाने के लिए रानी ने किसका भेष बनाया किसका बनाया पुरुष का तो इसके सामने आप टिक लगाएंगे तीसरा है रानी ने नौकर के हाथ सेठ के पास क्या भेजा तो द करेक्ट ऑप्शन इज सफेद कपड़े में लपेट कर दो ईंटें तो इसके सामने आप टिक लगाएंगे इसके बाद है लिखित प्रश्न तो इसमें पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पहला प्रश्न है राजा अहंकार में सबसे क्या कहता था उत्तर राजा अहंकार में सबसे यह कहता था कि इस संसार में धर्म कर्म स्त्री पुत्र मित्र सखा सब पैसा ही है दूसरा प्रश्न रानी किसे तुच्छ और किसे श्रेष्ठ समझती थी उत्तर रानी पैसे को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी तीसरा प्रश्न एक दिन राजा ने रानी से क्या पूछा उत्तर एक दिन राजा ने रानी से पूछा कि उसके अनुसार दुनिया में बुद्धि और पैसे में से क्या बड़ा है अगला प्रश्न व्यापार से प्राप्त रुपयों का रानी ने कैसे उपयोग किया उत्तर इन रुपयों से रानी ने गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाना पाठशाला तथा अनाथालय खुलवा दिए अगला प्रश्न राजा को रानी की बुद्धिमता पर विश्वास कैसे हुआ उत्तर रानी के मकान के पास मुफ्त दवाखाना पाठशाला अनाथालय आदि बड़ी बड़ी इमारतें देखकर राजा हैरान था कि उसने तो रानी को एक भी पैसा नहीं दिया था फिर भी उसने गरीबों के लिए यह सब कर दिखाया अब राजा को रानी की बुद्धिमता पर विश्वास हो गया था इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला प्रश्न है रानी की किस बात पर राजा को बहुत गु़स्सा आया और फिर उसने क्या किया उत्तर रानी के मुख से पैसे की निंदा सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया उसने यह देखने के लिए कि रानी बिना पैसों के केवल अपनी बुद्धि के सहारे कैसे अपना काम चलाती है उसे बिना पैसों व सामान के नगर के बाहर एक मकान में रहने भेज दिया रानी के सभी गहने भी उससे ले लिए केवल दो चार नौकर उसकी सेवा के लिए साथ भेज दिए दूसरा प्रश्न रानी के पास व्यापार शुरू करने के लिए रुपए से आए? उत्तर रानी ने दो इंटों को सफेद कपड़े में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मोहर लगा दी तब उसने अपने नौकर को अपनी यह धरोहर धनु सेठ को देने और बदले में उससे दस हजार रुपए लेकर आने के लिए कहा और नौकर से यह भी कहलवाया कि कुछ दिनों में उसके रुपए सूद सहित लौटा दिए जाएंगे सेठ ने रानी की धरोहर पर उसके नाम की मोहर देखकर तथा यह सोचकर कि इसमें रानी के कीमती गहने होंगे चुपचाप दस हजार रुपये दे दिए इस प्रकार रानी को व्यापार के लिए रुपए प्राप्त हुए अगला प्रश्न है देशाटन के लिए जाते समय दोनों ठगों ने राजा से रुपए कैसे ठग लिए उत्तर देशाटन के लिए जाते समय राजा को जो पहला ठग मिला वह काना था उसने राजा से कहा कि उसने दो हजार रुपए के लिए उनके पास अपनी एक आंख गिरवी रखी थी अब वे अपने रुपए लेकर उसकी आंख लौटा दें नहीं तो उनकी बहुत बदनामी होगी बदनामी के डर से राजा ने उसे जैसे तैसे चार हजार रुपए देकर विदा किया दूसरे ठग ने भी इसी प्रकार राजा के पास अपना एक कान गिरवी रखने की बात की और अब अपने रुपए लेकर उसका कान लौटाने के लिए कहा राजा ने उसे भी चार हजार रुपये देकर अपना पीछा छुड़ाया इस प्रकार दोनों ठगों ने राजा को ठग लिया अगला प्रश्न है राजकुमारी द्वारा राजा को भेजी गई चिट्ठी में क्या लिखा था उत्तर राजकुमारी द्वारा राजा को भेजी गई चिट्ठी में विवाह की शर्तें लिखी थीं और अंत में यह भी लिखा था कि यदि राजा शतरंज में हार गए तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा अंतिम प्रश्न है रानी ने दोनों ठगों को कैसे सबक सिखाया उत्तर: रानी ने काने ठग से से कहा कि मेरे पास बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी हैं। वह अपनी दूसरी आंख भी निकालकर उन्हें दे दे ताकि उसके तौल वाली आंख उसे दी जा सके यह सुनकर वह ठग माफी मांगने लगा और विनती करके चार हजार रुपये रानी को देकर उसने अपनी जान बचाई यही हाल कान वाले ठग का हुआ जब उसने देखा कि रानी का नौकर उसका कान काटने ही वाला है तो उसने भी चार हजार रुपये देकर रानी से अपनी जान बचाई तो इन प्रश्न उत्तरों के बाद है व्याकरण बोध तो इसमें सबसे पहले प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर पुनः लिखिए तो जो अंडरलाइंड वर्ड है उसका अपने जेंडर चेंज करना है लिंग बदलना है फिर से वाक्य लिखना है जैसे पहला वाक्य है राजकुमारी को महल में बुलाया गया तो इसमें राजकुमारी का आपने लिंग बदलना है तो क्या बना राजकुमारी का चेंज किया तो हमने पुल इसका पुलिंग क्या बना राजकुमार तो राजकुमार को महल में बुलाया गया अगला है सेठ ने नौकर को बुलाया तो सेठ का लिंग बदलेंगे तो बनेगा सेठानी सेठानी ने नौकर को बुलाया अगला है घोड़ा तेज दौड़ता है तो घोड़ा का लिंग बदलेंगे तो घोड़ी तो घोड़ी है तो उसके अकॉर्डिंगली जो क्रिया है जो वर्ब है वो भी बदल जाएगी घोड़ी तेज दौड़ती है दौड़ता है का दौड़ती है इसके बाद अगला है जंगल में शेर अपने बच्चों के साथ बैठा था तो शेर का अपने जेंडर चेंज किया तो बना शेरनी तो लिखेंगे हम वाक्य फिर से जंगल में शेरनी अपने बच्चों के साथ बैठी थी अब बैठा था का बैठी थी क्योंकि शेरनी फीमेल है तो उसके अकॉर्डिंगली क्रिया भी बैठी थी होगी इसके बाद है दूसरा प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के लिए बहुवचन शब्द लिखिए तो अब आपने इनके नंबर चेंज करने हैं बहुवचन बनाने हैं जैसे पहला है पैसा पैसे तो उसके बाद दूसरा है पंखा पंखे अंग डिबिया डिबिया घोड़ा घोड़े उसके आगे है आशा आशाएँ कमरा कमरे सखी सखियां, रानी रानियां। तो उसके बाद है तीसरा प्रश्न उपसर्ग उपसर्ग मीन्स प्रीफिक्स जो शब्दांश किसी सार्थक शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं तो प्रीफिक्स इनका क्या रोल है इन, इन्हें हम शब्दांश कहते हैं पार्ट ऑफ अ वर्ड नॉट अ वर्ड क्योंकि इनका अपना मीनिंग नहीं होता ये जब किसी मीनिंगफुल वर्ड सार्थक शब्द मतलब मीनिंगफुल वर्ड किसी मीनिंगफुल वर्ड के आगे जुड़ते हैं आगे फिक्स होते हैं तो उसको नया अर्थ दे देते हैं तो इसलिए इन्हें उपसर्ग कहते हैं प्रीफिक्स कहते हैं तो जैसे पहला शब्द यहाँ पे इन्होंने उदाहरण दिए दो शब्द दिए हैं सम्मान और निराशा तो सम्मान किससे बना सम जमा मान तो इसमें सम जो है उपसर्ग है प्रीफिक्स है तो इसके साथ मान जब मीनिंगफुल वर्ड जुड़ा जुड़ गया तो ये नया शब्द बना सम्मान इसी प्रकार निर्जमा आशा तो इसमें निर जो है उपसर्ग है आशा मीनिंगफुल वर्ड है सार्थक शब्द है तो जब हमने निर को आशा के साथ जोड़ा तो नया शब्द बन गया निराशा तो ये उसका ऑपोजिट बन गया आशा निराशा तो ऊपर लिखे गए सम्मान और निराशा शब्दों में मान और आशा क्रमशः मूल शब्द हैं जिनके साथ सम एवं निर उपसर्गों का प्रयोग किया गया है अब आपने क्या करना है उचित विकल्प पर का चिन्ह लगाइए तो आपने यहाँ पे भी उन्होंने उपसर्गों से संबंधित प्रश्न पूछे हैं तो आपने सही ऑप्शन पर टिक लगाना है पहला है अपमान में कौन सा उपसर्ग है तो आपने यहाँ पे जो उपसर्ग दिए हैं उनमें से सही उपसर्ग चुनना है फॉर दिस वर्ड अपमान तो इसका क्या उपसर्ग है अप तो अप आप पर आपने टिक लगाना है अगला है बदनामी में कौन सा उपसर्ग है तो इसमें बद तो बद के आगे आपने टिक लगाना है उसके बाद है अवशेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो अवशेष में अव तो अव के आगे आपने टिक लगाना है आगे है अपव्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो इसमें भी अप तो आपके आगे आप टिक लगाएं उसके बाद है सहर्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है सहर्ष. तो सहर्ष में स उपसर्ग है तो उसके आगे आप टिक लगाएंगे इसके बाद है चौथा प्रश्न किसी शब्द के बाद लगने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं अभी हमने उपसर्ग किया जो किसी शब्द के आगे जुड़ते थे पहले लगते थे अब जो प्रत्यय हैं दैट इज सफ़िक्स ये किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं किसी मीनिंगफुल जो वर्ड है उसके पीछे लगते हैं तो ये प्रत्यय होते हैं सफिक्स जैसे रानी बड़ी बुद्धिमती थी तो इसमें बुद्धि जो मीनिंगफुल वर्ड है सार्थक शब्द है उसके साथ हमने मति जोड़ा तो ये नया शब्द बन गया बुद्धिमति जो मति है वो प्रत्यय है इस वाक्य में बुद्धि शब्द के साथ मति प्रत्यय का प्रयोग किया गया है नीचे लिखे प्रत्यय युक्त शब्दों को ध्यान से पढ़िए तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं तो आप ध्यान से नोटिस कीजिए इनमें कहाँ पे प्रत्यय जुड़ा है जैसे पहला है अहंकार जमा ई अहंकारी तो इसमें ई जो है प्रत्यय है तो जब हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो उसकी जगह पे हमने ई मात्रा का प्रयोग किया अहंकारी तो अहंकार जो था वो भाववाचक संज्ञा था अहंकारी जो है विशेषण बन गया ऐसी बदनाम जमा ई तो इसका बन गया बदनामी बदनाम में हमने ई जोड़ा तो ई जो है ई प्रत्यय है और उसको हमने आ, मात्रा के रूप में मात्रा के फॉर्म में उसको जोड़ा बदनाम के साथ तो बदनामी ऐसे पहरेदार पहरेदारी इसमें भी ई जो प्रत्यय है उसको मात्रा के रूप में जोड़ा गया आगे लज्जा जमा इत तो इत में ए, इत जो है प्रत्यय है ई छोटी है तो हमने लज्जा का जब हमने लज्जित करना तो छोटी लग जाएगी तो लज्जित ऐसे गुण जमावान गुणवान तो इसमें कोई चेंज नहीं है बस गुण में हमने वान प्रत्यय जोड़ा और गुणवान जो दोनों को मिलाकर लिख दिया तो इसमें वान प्रत्यय था ऐसे चित्र जमाकार चित्रकार इसमें भी चित्र जो है मूल शब्द है सार्थक शब्द है उसमें कार जब हमने जोड़ा तो नया शब्द बन गया चित्रकार तो इस प्रकार आपने देखा जैसे अब चित्र जो है इसका मतलब पिक्चर चित्रकार मीन्स जो चित्र बनाता है आर्टिस्ट और पेंटर तो ये जो है चित्रकार नया शब्द बन गया तो ये हमारे जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं इनका रोल होता है ये किसी भी सार्थक शब्द के साथ जुड़कर उनको नया अर्थ देते हैं अब नीचे आगे क्या है निम्नलिखित प्रत्ययों के योग से दो दो शब्द बनाइए तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे प्रत्यय दी हैं और आगे उन्होंने दो हर प्रत्यय से दो दो शब्द बनाने के लिए कहा है जिसे पहला प्रत्यय है वाला तो इससे एक शब्द एक बना दूध वाला सब्जी वाला मिठाई वाला लाइक like दैट आप बना सकते हैं उसके बाद है दार दार से बना जैसे दुकानदार ईमानदार ये ये प्रत्यय के साथ जब जब हमने कोई सार्थक शब्द जोड़ा तो नया शब्द बना जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल उत्तर आप ही दिया है भारतीय इसी प्रकार राष्ट्रीय तो यदि ई ए में जैसे ई बड़ी थी तो हमने मात्रा भी इसको ई को जो हमने कन्वर्ट करना बड़ी ई में ही तो भारतीय राष्ट्रीय देशीय लाइक like दैट उसके बाद कार कहानी कार गीतकार संगीतकार लाइक like दैट आप कुछ भी बना सकते हैं आगे है ईन ईन से जैसे रंगीन शौकीन ऐसे वना वना से डरावना सुहावना तो ये थे आपके प्रत्यय उसके बाद है ने का प्रयोग सामान्यतः ने का प्रयोग कर्ता के साथ भूतकाल के वाक्यों में किया जाता है तो आपने जैसे आपको पता है कर्ता मीन्स सब्जेक्ट तो हिंदी में कर्ता के साथ हम ने लगाते हैं उसका साइन विभक्ति चिन्ह आपने पढ़े ना कारक कर्ता ने कर्म को तो कर्ता का जो साइन है विभक्ति चिन्ह है वो ने है तो ये ने लगता है पर कब लगता है भूतकाल में मीन्स पास्ट टेंस में जैसे राम ने पाठ पढ़ा राम पढ़ता है जब प्रेजेंट है राम पढ़ता है तो हमने राम ने पढ़ता है नहीं कहा जब पास्ट था भूतकाल है तो हमने राम ने पाठ पढ़ा तो ने जो है भूतकाल में लगता है ऐसी प्रकार भविष्यत में भी राम पढ़ेगा तो उसमें राम ने पढ़ेगा नहीं है राम पढ़ेगा राम पढ़ता है केवल भूतकाल में हम ने का प्रयोग करते हैं जैसे इन्होंने एग्जाम्पल क्या दी है पहली संज्ञा के साथ ने का प्रयोग अलग से किया जाता है जैसे राजा ने रानी को नगर के बाहर एक मकान में रख दिया ओके यहाँ पे जो रा, राजा है संज्ञा है तो उसके साथ हमने ने अलग से लिखा राजा ने एक साथ ने लिखा पर जब सर्वनाम के साथ हम ने का प्रयोग करते हैं तो जोड़कर लिखा जाता है जैसे उसने तुमने यदि हम जैसे राजा ने तो राजा ने, ने अलग से लिखा पर यदि इसकी जगह हम सर्वनाम का प्रयोग करें उसने ऐसा किया तुमने यह किया तो हम उसने तुमने हम एक साथ लिखेंगे ने को तुम ने उस ने ऐसे नहीं लिखेंगे गैप डालकर नहीं लिखेंगे एक साथ लिखेंगे तो नीचे लिखे वाक्यों को ने का प्रयोग करते हुए लिखिए तो आपने यहाँ पर इन्होंने जो वाक्य लिखे हैं बिना ने के में भी प्रेजेंट टेंस में है वर्तमान काल में है और भविष्य काल में होंगे तो आपने इनको ने का प्रयोग करके लिखना है फिर से तो इसका मतलब हम इसको भूतकाल में कन्वर्ट कर देंगे वाक्य को जैसे पहला वाक्य है रानी कुम्हार से दो ईंटें मंगवाती है तो मंगवाती है मीन्स टेंस वर्तमान काल तो जब हमने अब ने लगा कर लिखना है तो रानी ने कुम्हार से दो ईंटें मंगवाई तो मंगवाई तो हमने इसको पास्ट बना दिया भूतकाल बना दिया अगला है रानी गरीबों के लिए पाठशाला दवाखाना और अनाथालय खुलवाती है तो खुलवा जब प्रेजेंट है तो इसमें रानी ने नहीं लिखा हमने रानी खुलवाती है अब जब हमने ने का प्रयोग करना है तो इट मीन्स हमें इसको पास टेंस बनाना पड़ेगा इसका भूतकाल बनाना पड़ेगा तो हम फिर से लिखेंगे ने लगाकर रानी ने गरीबों के लिए पाठशाला दवाखाना और अनाथालय खुलवाए तीसरा वाक्य है राजा लज्जित होकर बोले रानी तुम धन्य हो तो हमने इसको भी अब ने लगा कर लेंगे तो राजा ने लज्जित होकर कहा रानी तुम धन्य हो सो दैट्स ऑल फॉर द डे विल मीट सून विद द नेक्स्ट टॉपिक ओके देन बाय बाय टेक केयर